नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 500 रुपये से सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपका एफएनडो एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो देख के एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम सेंसेक्स पर क्लिक करेंगे और इसमें हम 500 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, आज इसकी एक्सपायरी है तो हम एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे जो कि लगभग 624 रुपये का मिल जाएगा हमको। अगर हम ये 57 रुपये वाला लेंगे और हम 46 रुपये वाला यहाँ पर लेते हैं, मात्र 43 रुपये में ये मिल जाएगा। तो देखिए, इसको बाय करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक डिलीवरी का और एक इंट्राडे का। इंट्राडे का मतलब होता है आज लिया है तो आज ही बेचना पड़ेगा, और डिलीवरी का मतलब होता है कि इसको 28 जून, मतलब आज है एक्सपायरी तो आज तक रख सकते हैं। अगर आप इसको 26 तारीख को बाय करते तब भी आप इसको 28 जून तक रख सकते थे। तो चलिए हम इसको बाय कर लेते हैं। अब जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे तो ये अभी नहीं आया है, इसलिए हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इस ऑर्डर को। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसको दोबारा से बाय करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब मेरे को यहाँ से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सेंसेक्स का 10 का 1 लॉट होता है और यहाँ पे चार्जेस की अगर हम बात करें तो 20 रुपये, लगभग 23 रुपये बाय करने पे लगेंगे और 23 रुपये ही सेल करने पे लगेंगे। तो यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अप्रोक्स चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, कितना पैसा लगेगा वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप 1 लॉट ले सकते हैं और बाय बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम बाय बटन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो यह यहाँ से बाय हो जाता है। अब ये थोड़ा रिस्की गेम है क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट हमने जो कॉल ऑप्शन लिया है एग्जाम्पल के लिए उसमें नुकसान हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा दूर का है। अभी देखो सेंसेक्स चल रहा है 79,512, मतलब 79,500 चल रहा है और हमने जो लिया है दोस्तों 79,000 का लिया है, तो अभी इसमें हमको 25 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें जो है नुकसान 300 रुपये से ज़्यादा ना हो तो मैं यहाँ से 300 रुपये का सेट ट्रिगर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अब जैसे ही 300 रुपये का अगर मेरे को लॉस दिखेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है हमारा एग्जिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेफ एग्जिट, ठीक है। अगर मेरे को इसको कैंसिल करना है तो सिंपली रिमूव ट्रिगर पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मुझको इसको मॉडिफाई करना है तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई पर क्लिक करके इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, 350 कर सकते हैं और सेट ट्रिगर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा लाइक करो, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करना चाहें तो रिमूव ट्रिगर पर क्लिक करके कैंसिल कर देते हैं। अब थोड़ा सा पहले मार्केट के बारे में समझ लेते हैं कि जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो कैसे करना रहता है। यहाँ पे चार्ट खोल देते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आपको वन डे का चार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। अब नीचे से फिर से इसको वन डे का कर देते हैं। अब ये 1 मिनट का हो गया है, इसको मैं फिर से 5 मिनट का कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो मार्केट है दोस्तों, एक सेकेंड, ये यहाँ पर इसको देख लीजिए। अब इस पर वापस क्लिक कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये साला कर क्या रहे हैं भाई, 1 मिनट का चार्ट हो गया है। अब मैं इसको एक 1 आवर का चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ये अलग ही लेवल का ये चल रहा है यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न। 1 आवर में भी ये सही नहीं चल रहा है, 1 मंथ का लगाते हैं और अब लगाते हैं अपन इधर 5 मिनट का चार्ट फ्रेम, ठीक है। चलिए ये सही है, ओके। तो मार्केट देखो यहाँ से अगर हम देखें तो जब भी आप बाय करते हो तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस हो जाता है और यहाँ पे इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है ईजिली अच्छे से, ठीक है। तो सपोर्ट पे आपको लेना रहता है, रेजिस्टेंस पे देना रहता है। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि जब मार्केट बढ़ता है ना, जैसे कि मान लो ये बुलिश मार्केट है, तो ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चले जाता है, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहते हैं, उनको वो ब्रेक नहीं कर पाता है और वहाँ से नीचे जाता है। लेकिन जब मार्केट को गिरना रहता है ना, तो वो ऐसा शार्प गिरता है, कोई भी सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं देता है। मतलब जो मेन सपोर्ट होगा केवल वहीं रुकेगा और वहीं उसका बॉटम बनेगा और वो वहीं से रिवर्स होगा। तो ये पोजिशनली जो ट्रेड करते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है, सेफ एग्जिट वाला नहीं लगाना है, तो उसके लिए एड स्टॉप लॉस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से 50, लगभग 46 रुपये पर लिया था तो 20 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो इस प्रकार से सेल कर देना है। सिंपल स्टॉप लॉस लग चुका है, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी, यहाँ पे लगभग 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पैसे कितने लगाए हमने, लगभग 470 रुपये लगाए हैं। ये जो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये पूरा का पूरा लगभग ब्रोकरेज में चला जाएगा। मज़े की बात कब है, मज़े की बात तब है जब ये यहाँ से इतना देखो मैं आपको बताऊँ, अरे एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ये मजे की बात तब है ये यहाँ से जब ये 79,000
तक जाएगा ना, तब अपने को अच्छा सा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जब ये साइडवेज रहेगा तो ये ऐसा ही रहेगा। देखो अभी 50 रुपये का होगा या 46 रुपये का होगा, चलो इसको एग्जिट करके दिखा देता हूँ। सिंपल एग्जिट बटन पर क्लिक करके एग्जिट कर दिया है। अभी 49 का दिख रहा था, बट अब 40 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो है हर पल मूवमेंट होता रहता है, इस चक्कर में ये आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों सेंसेक्स से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं ग्रो ऐप से, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तब आपको हमेशा कॉल ऑप्शन लेना रहता है दोस्तों, जब मार्केट आपको लगे गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन लेना रहता है। बात करते हैं सेंसेक्स की नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो इसमें थोड़ा कम वॉल्यूम रहता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सेंसेक्स की जगह आप सेम अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है तो आप निफ्टी का ले लीजिए। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए आज शुक्रवार है और आज तारीख कितनी 28 है ना, तो आज है 28 जून, तो अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो उसकी जगह आप लीजिए निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी में आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे कि इसका एक्सपायरी 4 जून को होगा, देखिए सेंसेक्स पे एक्सपायरी शुक्रवार को होता है, और अगर आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी में नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी का ले लीजिए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी ऑलरेडी गुरुवार को हो चुकी है और अब इसकी एक्सपायरी काफ़ी अगले वीक होगी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें दोस्तों वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है, हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। वहीं मैं आपको अगर सेंसेक्स में बताता हूँ, जैसे कि ये सेंसेक्स है, इसका 5 जुलाई का देखो आप, तो इसमें कोई वॉल्यूम नाम की चीज़ रहती नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब हर कुछ ही अलग ही लेवल का गेम चलता रहता है, तो जहाँ वॉल्यूम होगा वहाँ आपको जाना है। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या है, मार्केट में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ग्लोबल क्या चल रहा है। जैसे कि मार्केट अभी सीधा गुब्बारा सा बना हुआ है और एक बंदा एकदम चल ही जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता है कि जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाता है, उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा ही रहता है, उसके बाद वो वापस से बढ़ाने लगता है इंटरेस्ट रेट, उसके बाद फिर क्या होता है ना कि मतलब रेट हाइक करता है तो मार्केट जो है फिर वो गिरने लगता है। तो वो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल आपने देखा है मार्केट में, ये वही साइकिल है। अब ये ऐसा जा रहा है क्योंकि उम्मीद है कि रेट कट होंगे, अब ये जा रहा है, उसके बाद फिर वापस से ये साइकिल आपको देखने को मिलता ही रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो आप ये साइकिल में इन्वेस्ट कर लीजिए। इसमें आप तब इन्वेस्ट करना जब आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट बढ़ेगा। वैसे तो ऐसा है कि ट्रेडिंग आपको करना चाहिए नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है भारी नुकसान। अगर कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए पैसा, और पैसा आपके पास खुद का होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए। बात करते हैं ट्रेडिंग से हम क्या डेली पैसा कमा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों नहीं कमा सकते हैं, ठीक है, डेली तो ट्रेडिंग से तो नहीं कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप शॉर्ट टर्म शेयर बाय करके एग्जिट मतलब सेल करके कमा सकते हैं, ठीक है। सब पागल बनाते हैं, लगभग से लोग पागल आपको बनाते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बन सकता है एक ही बार में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बड़े इवेंट पे बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, विधानसभा इलेक्शन में हमने जो है 1 60 रुपये का कॉल ऑप्शन बैंकेक्स का वाय करा था, जो कि लगभग 300 रुपये पे बेचा था, और 10,000 रुपये का नुकसान फुट में भी लिया था, तो उसमें 10,000 का नुकसान हो गया था। तो ये जो बड़ा इवेंट था ये पता चल गया था, ठीक है। अभी जो इलेक्शन हुए थे इसमें भी सबको उम्मीद थी कि शायद हो सकता है बड़ा मूव नहीं आए, लेकिन लोगों ने जिनने कॉल पुट बाय करके छोड़ा नहीं है उन सबके पैसे बन गए। तो बड़े इवेंट पे ही पैसा बनेगा, ऐसे छोटे मोटे इवेंट पे इस प्रकार से पैसा बनता ही नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी बन जाता है, वो दूसरे दिन ले लेता है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आप ऐसे इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं कि आप केवल आप सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे दे देते हैं। सपोर्ट आपको जो ठीक लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, अभी मार्केट में रिवर्सल नीचे की साइड होगा, अभी तो ऊपर की साइड है, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप इजीली ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे। लेकिन बात वही है, डेली नहीं कमा पाएंगे, इंट्राडे डेली मत करो। पैसा आप ऐसे कमा पाएंगे कि आपका जब सेटअप आएगा तब आप ट्रेडिंग करोगे और तब पैसा बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें कमा सकते हो, बाकी की तो इतना आसान है ही नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।